हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। अभी मैं बोलूँगी गुड मॉर्निंग क्योंकि अभी जो है वो सुबह का टाइम है और टाइम हुआ है 6:30। तो मैं आज 6 बजे सो के उठी थी, 6:15 के आसपास। और अभी मेरी तबीयत पहले से थोड़ी सी ठीक है। और आज मैं क्या बनाऊँगी, भिंडी की सब्जी। तो आज भी मौसम जो है वो थोड़ा खराब है, मतलब बारिश वाला मौसम है 2 दिन से। कल भी जो है वो बहुत कम धूप लगी थी बीच बीच में थोड़ी थोड़ी देर, और आज भी शायद धूप नहीं होगी। मैं आपको बाहर का थोड़ा सा मौसम दिखाती हूँ इस टाइम का, कि इस टाइम जो है वो मौसम कैसा है। तो मौसम आजकल थोड़ा थोड़ा खराब चला हुआ है। तो ये है मौसम और ये है कल का, मतलब वीडियो मैं आज अपलोड कर रही हूँ। और वेदर जो कल जो है वो इस तरह का था, बादल थे और फिर दिन में जो है वो बारिश भी हो गई थी। और आज का जो मौसम था वो साफ था। तो ये आप देख सकते हो बहुत प्यारा प्यारा सा ठंडा ठंडा सा मौसम। तो जैसा कि मैंने बताया था कि मैं बनाऊंगी आज भिंडी की सब्ज़ी। तो भिंडी मैंने रख ली थी धो के, और इनको मैं अभी सारी भिंडी को जो है वो काट लूँगी। आज की वीडियो में मैंने गाने भी गाए हैं खाना बनाते हुए, मतलब गाने तो मैं वैसे कम ही गाती हूँ खाना खाना बनाते हुए या वीडियो बनाते हुए, पर आज मैंने जो है वो एडिट नहीं की थी वीडियो, मतलब वॉइस नहीं डाली थी उसमें और ना ही वॉइस को काटा था। इसीलिए गाने भी आप सुन सकते हो। जब मैं लगाऊंगी छौंका उस टाइम मैंने गाने गाए थे। तो अभी मैं काट रही थी भिंडी और इसको करूंगी मैं फॉरवर्ड, क्योंकि अगर मैं सारा दिखाऊंगी तो वीडियो जो है वो बहुत लंबी चली जाएगी। इसीलिए भिंडी काटते हुए मैं वीडियो को अभी फॉरवर्ड कर दूंगी थोड़ी सी। तो जहाँ पे मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रही थी इधर जो है वो ज़्यादा क्लियर वीडियो नहीं आती, क्योंकि एक तो इधर लाइट है और फिर मुझे कैमरा भी मतलब सेट करना पड़ता है। पता नहीं कैसे कैसे करके मैं कैमरा सेट करती हूँ, मतलब किसी चीज़ का सहारा लेके या डब्बे का या कुछ भी, मतलब ऐसा जुगाड़ करके मैं कैमरा सेट कर लेती हूँ। ये भिंडी मैंने जो है वो काट के रख ली है। अब मैं इसके लिए काटूंगी प्याज, क्योंकि भिंडी की क्वांटिटी मेरे पास थोड़ी कम थी इसीलिए मैं इसमें कुछ प्याज जो है वो डाल लूँगी। तो भिंडी और प्याज की सब्जी मैं बनाऊँगी। ये मैंने प्याज जो है वो छील लिए है, अब मैं इसको इसमें काट लूँगी। और भिंडी को मैंने धो लिया था, तो धोने के बाद मतलब इनको मैंने काफ़ी देर पहले धो लिया था। अगर मैं उसी टाइम इनको धोती, काटने से पहले मैंने इनको धो लिया था, तो काटने के बाद अगर मैं इनको धोती तो ये बड़ी अजीब सी हो जाती है। इसीलिए इनको जो है वो, वैसे आप सभी को पता ही होगा। तो अभी मैं इसमें प्याज काट लूँगी। धोले पानी में जोते चलाई रे, तेरी जय हो जवाला माई रे। तूने पानी में जोत जलाई रे, तेरी जय हो जवाला माई रे। तूने पानी में जोत जलाई रे, तेरी जय हो जवाला माई रे। तूने राजा दक्ष के जन्म लिया, तूने राजा दक्ष के जन्म लिया। और शिव जी के संग प्यार किया, तू तो पार्वती कहलाएगी। तेरी जय हो ज्वाला माई रे, तूने पानी में जोत जलाई रे। आप लोग मेरा चाकू भी देख सकते हो, तो ये बहुत ज़्यादा पुराना चाकू है। इसकी हालत देख के ही आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि ये कितना पुराना है, पतला भी हो गया है काफ़ी ज़्यादा। पर इसको हम इसीलिए यूज करते हैं क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा तेज है, तो यूनो की पुरानी चीज़ ज़्यादा अच्छी होती है, इसीलिए हम इसका ज़्यादा यूज करते हैं। तो ये मैंने प्याज काट लिए है, अब मैं लगाऊंगी तड़का। तो आज मैं तड़के के लिए यूज करूंगी तेल। तो मैंने ये ऑयल डाल लिया है क्योंकि वैसे भी गला ख़राब है, तो अगर मैं रिफाइंड डालती तो रिफाइंड वैसे भी गले के लिए ख़राब होता है। तो इसीलिए मैंने जो है वो ऑयल डाला है, तेल डाला है, क्योंकि तेल जो है वो
गले के लिए खराब नहीं होता, तो इसको मैं अभी काफ़ी देर पकने दूंगी। तो अभी तेल हमारा जो है वो पक गया है, अब मैं इसमें ऐड कर लूंगी मसाले, मेथी और जीरा। तो आज की जो सब्ज़ी है वो मैं बनाऊंगी काफ़ी ज़्यादा चटपटी सी, क्योंकि जब जुकाम होता है तो काफ़ी ज़्यादा चटपटा खाने का मन करता है, इसीलिए मैं इनको काफ़ी ज़्यादा इसमें मिर्ची भी मैं आज ज़्यादा ऐड करूँगी और फिर मसालेदार मैं इसको बनाऊँगी। सिंपल ही बनाऊँगी, टमाटर मेरे पास नहीं थे, बहुत लगती बन रहे थे तो टमाटर मेरे पास नहीं थे तो टमाटर मैं इसमें नहीं डालूँगी। धनिया और मिर्चे मैं डालूंगी आज खूब सारी इसमें, तो इतने ही मसाले मेरे पास थे जो मैंने डाल दिए थे। नमक मैं सब्जी में ही ऐड कर लूँगी, इसमें भी मैंने डाल दिया था थोड़ा सा। इधर मैं बना रही थी रोटी, तो इधर कैमरा सेट करना थोड़ा औखा है, इसीलिए मैं आपको रोटी बनाते हुए नहीं दिखा सकती। और इधर माता जी भी जो है वो आ गए थे गाय से दूध लेके सुबह, और ये अभी बनाएंगे चाय, क्योंकि चाय मैं भी तभी पीती हूँ जब दूध लेके आ जाते हैं। तो अभी ये जो है वो हम दोनों के लिए, अपने लिए भी और मेरे लिए बनाएंगे चाय। फिर उस इसके बाद चाय बनाने के बाद ये घास को चले जाते हैं, और फिर मैं जो है वो घर का थोड़ा बहुत जो काम होता है वो निपटा लेती हूँ। तो अभी ये चाय के साथ जो है वो थोड़ी बहुत रोटी भी खा लेंगे, क्योंकि घास जो होता है वो हमारा काफ़ी दूर होता है, तो लेके आने में भी टाइम लगता है, 2-3 घंटे लग जाते हैं, तो फिर जो है वो भूख भी लग जाती है तब तक। और ये चाय में अजवाइन भी डालते हैं हम आजकल, जब से तबीयत थोड़ी ख़राब हुई है तब से जो है वो हम इसमें थोड़ी सी अजवाइन डाल लेते हैं। और सब्ज़ी देखूंगी मैं अपनी कि कितनी पक गई है, तो ये थोड़ी देर में
ऑलमोस्ट पकी जाएगी, क्योंकि इसको मैंने सिम किया हुआ था चूल्हे पे, तो ये आराम आराम से पकती रहेगी। तब तक मैं रोटी रोटी बनाती हूँ और चाय पियेंगे, फिर उसके बाद रियांश भी उठ जाएगा सो के, तो अभी सुबह जल्दी थोड़ा लेट वो उठता है सो के। सो गाइज अभी टाइम हुआ है 10 बज के और मैं काम निपटा के हुई थी थोड़ी सी फ्री। ब्रेकफास्ट मैंने कर लिया था और खाना भी मैंने बना लिया है रियांश को नहला के, वो दोबारा सो गया था। तो अभी मैं बनाऊंगी ग्रीन टी, तो मैं पीती हूँ ये वाली ग्रीन टी आजकल, ये आप देख सकते हो तुलसी वाली है ऑर्गेनिक इंडिया। तो अभी मैं जो है वो इसको पीऊंगी, क्योंकि ग्रीन टी के जो है वो काफ़ी सारे फायदे होते हैं और ये बनाना भी बहुत ज़्यादा इजी होता है, तो बस इसके लिए मुझे पानी बॉईल करना है। तो मैं अभी पानी बॉईल करूँगी, ये मैंने लिया है 1 कप पानी का, क्योंकि मुझे इतनी पीनी थी, तो ये मैं डाल दूँगी फ्राई में और इसको मैं जो है वो पानी को अभी अच्छे से बॉयल होने दूँगी, उसके बाद डालूँगी मैं इसमें ग्रीन टी। तो मुझे जाना पड़ा क्योंकि रियाज जो है वो उठ गया था, ज़्यादा देर नहीं सोया, ये 15 मिनट ही सोया नहाने के बाद, क्योंकि आज सुबह जो है वो काफ़ी लेट तक सोया, तो इसीलिए ये अभी जल्दी उठ गया था, फिर थोड़ी देर बाद सो जाएगा। तो मेरा जो पानी है वो बॉयल हो गया है, तो ये अच्छे से बॉयल हो गया है, इसको मैं डाल दूँगी कप में। ये है हमारी ग्रीन टी, ये मैं निकालूंगी ये देखिए, और इसको भी मैं डालूंगी। देखिए ये मैं डाल लूंगी, मैं जो कप होते हैं इस पर इसको डाल लूंगी इस तरह से, इसको मैं इसमें डाल लूँगी और अब मैं इसको 4-5 मिनट के लिए वैसे ही रहने दूँगी, ताकि ये अच्छे से इसमें घुल जाए, उसके बाद फिर मैं इसको पीऊँगी। तो अभी मैं इसको यहाँ पर रखूँगी और तब तक मैं सेकूँगी धूप। आज मौसम जो है वो बाहर, मतलब आज तो क्या, अभी सुबह तो मैंने आपको दिखाया ही था मौसम, अभी जो है वो थोड़ी थोड़ी सी धूप निकली है। और ये देखिए ग्रीन टी हो गई है बनके तैयार। ये देखिए, और इसको मैं पीऊंगी अब धूप में, तो मैं आपको दिखाती हूँ आज। अभी इस टाइम जो है वो धूप लग गई है अच्छी सी, मौसम भी हो गया है साफ, बादल जो है वो कमी है अब, तो अब जो है वो आराम से धूप में बैठ के हम पी सकते हैं चाय कॉफ़ी जो भी है। और रियांश इधर खेल रहा था, रियांश हेलो।
और अभी मैं आई हूँ बैल को घर ले जाने के लिए, जिनको कि हमने यहाँ पे बांधा हुआ था, ये देखिए। तो अभी शाम हो गई है, 6:30 हो गए हैं, तो अब इनको लेके जाएंगे घर, क्योंकि इनको जो है वो सुबह इधर बांध लिया था, और इनको बांध देते हैं काफ़ी लंबी लंबी रस्सी, ये आप देख सकते हो मेरे हाथ में, तो ये इनकी रस्सी है, इनको भी घर लेके जाऊंगी, क्योंकि इनको बांधने के लिए घर पे भी इनको बांधना पड़ता है। तो और यहाँ पे भी इनको काफ़ी लंबी रस्सी में लगा देते हैं, फिर ये मतलब घास भी खाते हैं और दिन भर इधर भी रहते हैं, क्योंकि मौसम भी जो है वो अच्छा था, बहुत तेज़ धूप नहीं थी आज, इसीलिए इनको आज पूरे दिन इधर ही हमने रखा था। तो आज की वीडियो में इतना ही था, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करें। तो मिलते हैं नई वीडियो में नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय।